प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की आर्म फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन के लिए काफी काम किया है। डिफेंस वेपन्स और हथियारों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑलमोस्ट सभी हथियारों के इम्पोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया है। काफी सारी डिफेंस डील्स भी साइन हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद आज की डेट में हमारी इंडियन एयरफोर्स भारत सरकार से खुश नहीं है। एंड इसका कारण है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की लगातार डिप्लीट होती स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। इंडियन एयरफोर्स के एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं और साल 1986 में इंडियन एयरफोर्स ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन और भारत की लंबी बाउंड्री को देखते हुए उनको 42 स्क्वाड्रन्स की नीड है। यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन्स होनी चाहिए ताकि वो देश की एयर स्पेस की रक्षा कर सकें। ये आंकलन 1986 का है और आज तो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी भारत के सीमा के ऊपर बुरी नजर बनाकर बैठा हुआ है। भारत के ऊपर टू फ्रंट वॉर का खतरा है, लेकिन दुख की बात है कि साल 1986 के बाद से आज तक इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स की 42 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कभी आई नहीं है। साल 1986 में इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में 41 स्क्वाड्रन शामिल थी एंड आपने देखा था कि कारगिल वॉर के समय इंडियन एयरफोर्स ने भी काफी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है कि आज 2024 में इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 31 हो गई है और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भारत जब आजाद हुआ था 1960 के दशक में भारत के पास उस समय 31 स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ थी, यानी कि आज की डेट में हम 1960 के दशक के लेवल के ऊपर आ गए हैं। और चिंता का विषय ये है कि इन 31 स्क्वाड्रन्स में से भी 2 स्क्वाड्रन MiG-21 फाइटर जेट्स की हैं, जो कि पूरी तरह से आउटडेटेड फाइटर जेट्स हैं, जिनको फ्लाइंग कॉफिन यानी कि उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है। इंडियन एयरफोर्स पहले प्लान कर रही थी कि MiG-21 की जो लास्ट 2 स्क्वाड्रन्स बची हुई हैं उनको साल 2025 में फेस आउट कर दिया जाएगा, लेकिन अब क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस फाइटर जेट को टाइम के ऊपर डिलीवर नहीं कर पा रही है, इस वजह से इंडियन एयरफोर्स अब MiG-21 को 1-2 साल और अपनी फ्लीट में रखने के ऊपर विचार कर रही है। क्योंकि अगर अगले साल MiG-21 की इन दोनों स्क्वाड्रन्स को फेस आउट किया गया तो इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 30 से भी नीचे 29 तक पहुंच जाएगी। कारगिल युद्ध के बाद ही इंडियन एयरफोर्स ने मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स काफी तेज कर दिए थे और साल 2005-06 में कांग्रेस की सरकार से कहा गया था कि इंडियन एयरफोर्स के लिए 126 मल्टी रोल फाइटर जेट्स परचेज किए जाएं, लेकिन ना ही वो डील कांग्रेस सरकार के समय साइन हो पाई और ना ही मोदी सरकार ने उस डील को कंप्लीट किया। उल्टा 126 की जगह 36 रफेल फाइटर जेट्स परचेज करके मल्टी रोल फाइटर जेट की डील को साइडलाइन कर दिया गया। मोदी सरकार ने कहा था कि वो 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स परचेज करेंगे, यानी कि एक MMRC 2.0 डील साइन होगी, लेकिन मोदी सरकार ने 7-8 साल पहले रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्लोट किया था और आज तक इंडियन एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स परचेज ही नहीं किए गए। सरकार ने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, तब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस की भी डिलीवरी स्टार्ट कर देगी, लेकिन अब ग्लोबल सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शंस और इंजन ना मिलने के कारण तेजस पे डिलीवर नहीं हो पा रहे। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी ने भारत के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर NS विक्रांत का उद्घाटन साल 2022 के सितंबर महीने में किया था। एक एयरक्राफ्ट कैरियर का मेन रोल होता है उसके ऊपर एयरक्राफ्ट्स यानी कि फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर, लेकिन हैरानी वाली बात है कि अभी तक NS विक्रांत के ऊपर डिप्लॉय होने वाले नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स ही परचेज नहीं किए गए। NS विक्रांत के उद्घाटन को 2 साल से भी ज्यादा हो गए और आज की डेट में उसके ऊपर NS विक्रमादित्य के पुराने फाइटर जेट्स को डिप्लॉय करके काम चलाया जा रहा है। सालों से हम सुन रहे हैं कि फ्रांस से हमने नेवल वेरिएंट के 26 रफेल M फाइटर जेट परचेज करने हैं, लेकिन इनकी डील अभी तक साइन नहीं हो पाई है। सेम चीज MMRC 2.0 डील के साथ भी है। एयरफोर्स की मल्टी रोल फाइटर जेट्स की डिमांड इसको ऑलरेडी 19 से 20 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये डील साइन नहीं हो पाई है। और दिक्कत की बात ये है कि इंडियन एयरफोर्स के पास आज की डेट में केवल 31 स्क्वाड्रन ही बची हैं। अभी तो हम ये कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं कि भारत के पास 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं ही नहीं, जबकि आज की डेट में दुनिया के 17 से 18 देशों की एयरफोर्स की फ्लीट में इस समय 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट शामिल हो चुका है। लेकिन हमारी मोदी सरकार की बदौलत हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ ही कंप्लीट नहीं हो पा रही है। फिर 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में तो छोड़ ही दो।